हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुप्ता फैमिली ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज है बड़ी दिवाली, आप सबको बड़ी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ नीचे मंदिर तैयार करने, मतलब मंदिर तो तैयार है पर पूजा की जो तैयारियां होती है ना वो करने के लिए, और मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या तैयारियां करी है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी जरूर। पूरी वीडियो सुबह से तो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि काम ही इतना ज्यादा था तो मैं नहीं बना पाई। अब मैं दिखाती हूँ कुछ कुछ चीजें जो मैं तैयारियों में कर रही हूँ, और मैंने अभी ये वाला सूट डाल लिया है। तो चलिए देखो, मैंने तौलिया फेंक दी इसमें। तो गाइस, ये रहे गुलाब जामुन जो मैंने खुद से बनाए अपने हाथों से, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। और अभी आपको खाना दिखाते हैं, आज हमने क्या क्या बनाया खाने में। तो मैंने बनाई थी पूड़ियां और आलू की जो है कचौड़ियां वगैरह बनाई थी, तो ये वो बनाया था खाने में। और अभी मैं आपको दिखा, ये बनाई है मैंने, बहुत टेस्टी यम्मी सी सब्जी बनी बहुत ही ज्यादा। तो ये हो गई, ये रही पाव भाजी की तैयारी। ये मैंने टमाटर हरी मिर्च पीस ली, ये है गोभी, ये घिया उससे बनाई है हम, जो है मटर बॉईल हो रही है आलू भी कट कर लिए हैं। तो मैं बनाऊंगी पाव भाजी, और ये दो पैकेट बनाए मैंने पाव, दो पैकेट मंगा लिए हैं, तो इतने में हमारा हो जाएगा। तो गाइस, ये दिए हैं, कुछ दिए ये हैं और कुछ दिए भी नीचे रखे हुए हैं। ये मैंने मिठाई मंगाई है पूजा के लिए, इसमें थोड़े से कलर है और रुई है जिससे कि हम बनाएंगे रंगोली। और ये मिठाई के डब्बे हैं जो मैंने बांटने के लिए मंगाए हैं, कि मतलब प्लेट में अच्छा नहीं लगता तो मैंने ये डब्बे मंगा लिए इसके अंदर डाल के। और जब मिठाई वगैरह दी जाएगी, इसमें कान्हा जी की ड्रेस रखी है न्यू, और इसमें कच्ची पारी होती है ना जिसमें काजल पारते हैं, तो वो है इसके अंदर। और इसमें खेल बताशे वगैरह हैं। तो ये मेरी सारी तैयारी इतनी यहाँ पर हो चुकी है, कुछ सामान जो है वो भी नीचे रखा है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो गाइस मैं जैसे कि आपको बता रही थी, तो ये वाले रंगीन वाले दिए भी रखे हुए मैंने, और थोड़े ये इनको कल पानी में नहीं भिगोए थे इसलिए मैंने इन्हें नीचे रखे रंगीले। इसमें आई हुई है फूल माला पूजा के लिए, सेब आए पूजा में चढ़ाने के लिए, इसमें लक्ष्मी गणेश रखे हुए हैं अभी मैंने निकाले नहीं है, ये आ गए आम के, और एक अशोक बोलते हैं उसके पत्ते, तो ये जो है दरवाजे पे लगाए जाएंगे। तो चलिए हम ये सारी तैयारियां कर लेते फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, कुछ इस तरीके से तैयारियां हुई हैं, अभी सामान जो है सारा आ चुका है, वही लेके आए हैं मैं कुछ भी सामान, मतलब थोड़ा सामान मैं कल लेके आई थी, आज मैं मार्केट बिल्कुल भी नहीं गई, टाइम ही नहीं मिला मुझे मार्केट जाने का। तो गाइस चलिए, अब कर लेती हूँ मैं सजावट, और मंदिर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे सजाया है, बिल्कुल सिंपल सा सजाया है। तो चलिए, तो गाइस अब मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, और ये गुलाब जामुन जो है बहुत ही ज्यादा यम्मी बहुत टेस्टी बने थे। तो बस मैंने जो है मिक्स पाउडर जो आता है ना गुलाब जामुन का, उसी से बनाए थे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने थे। तो चलिए अब मैं रंगोली बना लेती हूँ, और रंगोली बहुत ही खूबसूरत बनी है। तो थोड़ी सी मैंने जो रंगोली बनाने की छलनी आती है ना वो ली थी, और कुछ अपने हाथों से ऐसे डिजाइन कर लिया था सिंपल से, ये बना ली। और इसके बनाने के बाद मैं बनाऊंगी चौक, जहाँ पे जो है पूजा होगी, तो हमारे यहाँ बोलते हैं चौक पूर्णा, तो वो बनाएंगे, और उसके बाद फिर लक्ष्मी पूजन की वहां पर मैं सारी तैयारियां जो है वो कर दूंगी। तो चलिए मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे और क्या क्या तैयारियां जो है कर रही हूँ दिवाली के दिन। तो गाइस अब मैं जो है दिए मंस रही हूँ, तो हमारे यहाँ दिए जो है कुछ इस तरीके से, सबसे पहले मंस से जाते, और ये मैंने डाला हुआ है गाय का देसी घी तेल ले, हमारे यहाँ सबसे पहले गाय का देसी घी जो होता है ना, मतलब देसी घी होना चाहिए, चाहे गाय का हो चाहे नॉर्मल कोई सा भी हो, तो उसी से पहले दिया जलाते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ पूजा, तो ये द्वार मतलब दरवाजे के पास बैठ के जो पूजन होता है तो मैं वो कर रही हूँ, और उसके बाद फिर लक्ष्मी पूजन होगा। और लक्ष्मी पूजन की मेरी सारी कम्प्लीटली तैयारी हो चुकी है, और अब मैंने पहनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाली साड़ी कैसी लग रही हूँ मैं, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए गाइस, अब ये सब कुछ करने के बाद मैं जा रही हूँ दुकान पर, मुझे दुकान पर भी पूजा करनी है, तो दुकान से पूजा करके आऊंगी फिर मिलती हूँ आपसे।
तो गाइस मैं दुकान से पूजा करके आ गई थी, उसके बाद फिर हमने घर में भी लक्ष्मी पूजन कर लिया। मैंने उसकी वीडियो जो बहुत कम बनाई है, पूजा की बनाई नहीं थी, और अब ये देखो बम पटाखे चलाने का टाइम आ गया है। तो बच्चे नहीं मानते और आरुषि तो बिल्कुल भी नहीं। खूब सारे इसने बम पटाखे फोड़े, कुछ पटाखे कुछ नहीं, तो हम सब लोगों ने मिलजुल कर बहुत सारे बम पटाखे फोड़े। बहुत मजा आया इस बार दिवाली पर, बहुत 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 मजा आया। और जो दिवाली पे तो हर बार ही मजा आता है, पर इस बार कुछ अलग ही फीलिंग थी, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए सारे बम पटाखे फूट जाएंगे, उसके बाद फिर हम खाना वगैरह जो वो खाएंगे। और सब लोग आ रहे थे कोई मिठाई देने, कभी कोई मिठाई देने, मैं मेरे को भी जाना हो रहा था, कभी किसी किया कभी किसी किया, तो इस वजह से मैं ज्यादा ब्लॉग्स वो शूट नहीं कर पाई हूँ। जितना किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये हमारी पड़ोसन है तो वो बैठी हुई है और हम लोग जो है फुलझड़ी जला रहे हैं बैठ के बच्चों की तरह, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने और इन लोगों ने अनार वगैरह जलाए, फिर ये भी हमारे काम कर रहे हैं, बैठे हुए वीडियो बना रहे हैं। आई है दिवाली सुनो जी घरे, तेरे कंगने ने दिल दड़े खाया, लगे रे सजना मेरा, लगे रे सजना मेरा आज पगलाया। रोज पापा नहीं दिलाएंगे बच्चों, कह रहे अंकल ला दे तो और चला लू। आरुषि की बात आ रही है। तो गाइस अब मैं इनके साथ बैठ के थोड़ी सी बातें बातें कर रहे हैं और हम लोग कुछ फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं। ये देखो आरुषि फोटो में आ गई हमारे साथ। और ये मेरा गेट देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, हम लोगों ने इस तरीके से सजाया। और एक लड़ी जो मैंने गेट पर लगा दी थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये हमारी इस तरीके से दिवाली बनी। देखो मैं कुछ कुछ बोल रही हूँ तो वही वीडियो है ये। और आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना गाइस। और जो और अच्छे अच्छे ऐसी ब्लॉग्स देखने के लिए, मैं जल्दी से ब्लॉग्स नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट्स में ही मैं थोड़ा सोचती हूँ चलो शॉर्ट्स डाल लेते हैं। और ये बनाई है मैंने रात को डिनर में पाव भाजी, और इसमें आप देख रहे हो कि प्याज नहीं है, तो प्याज इसीलिए नहीं है क्योंकि आज है दिवाली और दिवाली के दिन प्याज वगैरह हम लोग नहीं खाते क्योंकि लक्ष्मी पूजन किया जाता है इसलिए। और ये रही आरुषि, देखो कितनी क्यूट लग रही है ना। तो मैंने कुछ छोटी छोटी सी अपनी फोटो वगैरह थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर लास्ट में आपको शुभकामनाएं दे रही हूं मैं दिवाली की।